very excited. खुशी में putting on weight also. Like so excited. I never thought that ऐसा कुछ होगा. You know, we worked very hard. Every song I work hard. But then this song, I don't know how it just picked up so fast and everybody is sending dum smashes and everybody is doing it. Like yesterday, I got a dum smash of Vahida ji and Helen ji. Like to be, if I want to mention one thing, that is gaane ke liye mera reference tha Guide film ka gaana Vahida ji ka. Main unki bahut badi fan hoon. So jab unka dum smash aaya, I was just blown out. I was like so happy and thankful to Almighty that, you know, this happened. This is any choreographer's dream come true. Actually, see, his brief was very, he has got his own style. Like हम बचपन से बड़े हुए उनके फिल्मों को देखकर. मैं actually dance director शायद बनी उन्हीं के गानों की वजह से. उनकी हर गाने पे भी दीदी तेरा देवर दीवाना पे हम बचपन में डांस करते थे. So because वो सरोज जी, सूरज जी और माधुरी दीक्षित, ये मेरे दिमाग पे बचपन से छाए हुए थे. तो जब ये फिल्म, पहले इससे पहले मैंने सरोज जी सूरज जी के साथ काम किया है एक विवाह ऐसा भी उस फिल्म पे, तो उसके सारे गाने मैंने किए थे. तो सूरज जी और हम बहुत ज़्यादा उस वक्त भी, यू नो, ही अंडरस्टूड दैट मैं उनका स्टाइल समझती हूँ. बींग अ क्लासिकल डांसर, आई अंडरस्टैंड द फेमिनिटी ऑफ द एक्ट्रेस. ये वो, तो जब सर ने ये दो गाने मुझे दिए थे, एक ये टाइटल ट्रैक और एक जलते दिए जो डुएट सॉन्ग है, एंड ही वॉज वेरी कीन इन फ्रंट ऑफ एवरी बडी दैट ये दो गाने सिर्फ शबीना करेगी. बिकॉज कई हद तक सूरज जी समझते हैं कि मैं समझती हूँ, स्टोरी टेलिंग समझती हूँ, कैरेक्टर्स में जाके काम करती हूँ. और उसके ऊपर सूरज जी का ब्रीफ वॉज सुपर. देखिए, वॉज वेरी कीन के मैथिली जो है वो एक प्रिंसेस है, वो बहुत ग्रेसफुल है, उसकी अदाएँ बहुत डिफरेंट है. तो अगर वो स्टेप्स भी करे तो वो बिल्कुल ऐसे ठाक 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 नहीं कर सकती. शी विल डू इट विथ सर्टन ग्रेस. तो उनके ब्रीफ के बाद मुझे लगा कि आई नीड, बिकॉज मैंने सोनम के साथ पहले काम नहीं किया था कभी भी, तो देन आई हैड टू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन सोनम. देन मैंने दो तीन महीने सोनम की बॉडी लैंग्वेज पर रिसर्च किया, बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एक्टर का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका पर्सनल बॉडी लैंग्वेज क्या है. बिकॉज ज़रूरी नहीं जो मुझ पर अच्छा लग रहा है वो उन पर अच्छा लगे. तो क्योंकि मैं खुद परफॉर्मर हूँ, मैं एक्टिंग से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कैरेक्टर्स को ज़्यादा समझती हूँ. तो मैंने सोनम के इंटरव्यूज़ पढ़ने शुरू किए, सोनम की फिल्में देखनी शुरू की, फिर मैंने सोनम के अपीयरेंसेस देखे जहाँ भी वो, यू नो, पर्सनल अपीयरेंसेस होते हैं, कैसे वो उठती है, कैसे बैठती है, मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया. तो आई फाउंड वन थिंग वेरी नाइस इन सोनम, दैट शी इज़ वेरी ग्रेसफुल. इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो सोनम इज़ वेरी ग्रेसफुल. वो बड़ी नज़ाकत से उठती बैठती है, हाथ, उसकी बात करने का अंदाज़. तो मेरा 50% काम यहाँ पर हो गया. सो आई थॉट के दिस इज़ वॉट इवन आई वॉन्टेड, दैट मैथिली इज़ ग्रेसफुल, दैट्स वॉट सूरज जी वॉन्टेड. और सूरज जी की हर हीरोइन खूबसूरत होने के बावजूद एक अदा होनी ज़रूरी है. उनकी हीरोइंस की ये बहुत बड़ी खासियत होती है. सो देन उसके ग्रेस को लेकर मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ और टू गिव द ऑडियंस द मीनिंग ऑफ प्रेम रतन धन पायो, दैट्स हाउ दैट स्टेप हैपेंड. के ज्वेलरी है, और औरत जब कहती है कि मैंने प्रेम रतन धन पा लिया, दैट मीन्स आई हैव अचीव्ड माय लव ऑफ माय लाइफ. सो दैट्स हाउ द होल स्टेप हैपेंड एंड दिस इज़ व्हाट यू से, ही इज़ अ स्टार, माय गॉड. सलमान सर के साथ मैं पहली बार काम नहीं कर रही हूँ. आई वर्क विथ हिम, मेरी पहली फिल्म थी खामोशी एज एन असिस्टेंट संजय लीला बंसाली की, और मेरे पहले हीरो थे सलमान सर. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम, तब से मैं काम कर रही हूँ. आई वॉज 13, तब मुझे हीरो, पिक्चर, फिल्में ये सब पता ही नहीं था. तब मैंने सलमान सर के साथ काम किया. उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे मैंने गणेश आचार्य को, जब मास्टर जी को सब असिस्ट किया, तो 5-6 साल आई वॉज जस्ट डूइंग सलमान सर एंड गोविंदा के फिल्म. देन आई डिड, इंडिपेंडेंट होने के बाद मैंने दबंग की थी, उसके बाद आई डिड जय हो. तो सलमान सर के साथ मैं उनके स्टेप्स से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत अच्छी तरह से अवेयर हूँ. ही डेवलप्ड हिज ओन स्टाइल, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक. तो व्हेन आई वाज कोरियोग्राफिंग फॉर हिम, मेरे दिमाग में ये बात पक्की थी कि मैं उन्हें नॉर्मल स्टेप्स नहीं दूंगी. मैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में एक ही म्यूज़िक को, एक ही वर्ड्स को दो तीन अंदाज से कोरियोग्राफ करके रखूँ. देन ही विल चूज़ वन एंड देन ही विल पुट हिज मसाला, मिर्ची एंड हिज स्टाइल एंड देन ही विल डू इट. कई बार दो तीन स्टेप्स रेडी रखने के बाद ही उसको से दूसरा बताओ, दूसरा ये सर, ओके, पहले का ये डालो, दूसरे का ये डालो. एंड देन ही हैज़ दिस, उनका सेंस इतना अच्छा है कि जब हम कंप्लीट करके जब
स्टेप को देखते तो इट लुक्स लाइक वाओ दिस इज़ अमेजिंग. सो उनका स्टाइल है जो नॉर्मल जनता करती है, जो स्कूल के बच्चे करेंगे, जो लाइक माई नेफ्यू इज़ जस्ट 2 years ओल्ड एंड ही इज़ डूइंग दिस स्टेप. सो दैट्स फॉर द होल आइडिया. ही इज़ नॉट समबडी हु विल डू 10, 12, 20 रिहर्सल. ही डज़न्ट नीड टू. ही विल जस्ट कम, डू 1-2 रिहर्सल. ही विल जस्ट ऑब्जर्व, वॉच. एक बार और करो, अभी स्लो करो, अभी हाई स्पीड करो. सो 3-4 टाइम्स ही विल मेक माई असिस्टेंट्स एंड मी डू इट, एंड देन ही विल कम एंड ही विल डू 2-3 रिटेक्स, उससे ज़्यादा कभी नहीं. एंड देन क्लैप, मतलब पूरे सेट पे क्लैप बजती थी. तो ब्यूटीफुल. लाइक सलमान सर के साथ काम करने का मतलब है कि आप एक कुछ अलग सी चीज़ सीख रहे हो. आई थिंक मैंने भी देखा है वो कि ही यूज़ टू गाइड सोनम, ही यूज़ टू गाइड एवरीबडी ऑन सेट. ही यूज़ टू गाइड नॉट लाइक अ टीचर, बट बड़े हंसते खेलते, यू नो, बड़ी से बड़ी बात सलमान सर हंसते खेलते सिखा देते हैं. तो मैं बहुत गौर से उनको देखती थी कि कब कौन सी बात ये बोले और मैं सीख लूँ. तो विद सोनम ऑल्सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड द केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट. दैट्स वाई ऑन स्क्रीन इज लुकिंग सो कम्फर्टेबल एंड दे वेरी कम्फर्टेबल. यूज टू हैव लंच टुगेदर विथ हिम, यूज टू कॉल एवरीबडी, लंच साथ में करते हैं. तो 1.5 साल का ये जो इस फिल्म का एक्सपीरियंस रहा है, ये एक फैमिली की तरह रहा है. लाइक अभी हम लोग वी मिस ईच अदर, वी मिस सेट पर हम सारे एक साथ रहे. 1.5 साल तक आई वॉज नॉट डूइंग एनी अदर फिल्म, आई वॉज जस्ट डूइंग दिस फिल्म, डिडंट डू एनी अदर फिल्म. तो अभी वी मिस एवरीबडी, वी कीप मैसेजिंग ईच अदर एंड यू आर हैप्पी फॉर ईच अदर. द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस, द बिगेस्ट डायरेक्टर, बिगेस्ट स्टार कास्ट, बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2015, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट दैट बिग, यू नो, व्हेन सूरज जी कॉल्ड मी. बट मुझे एक पर्सन के लिए भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत होमवर्क किया है. एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. तो अगर ये चांस, लाइफ टाइम अचीवमेंट चांस है मेरे लिए, तो आई पुट माई 100% इन टू इट. लाइक दिस रिहर्सल हॉल ओनली विद ऑल माई डांसर्स, 200 पीपल, आई वुड डू ऑल शॉर्ट डिविजन, ऑल डिफरेंट एंगल कैमरा के हिसाब से. आई यूज टू डू एवरी थिंग बिफोर शूट, शो इट टू सूरज जी एंड शूट इट ऑन माई फोन सो दैट आई कैन शो इट टू द कैमरामैन ऑल्सो. इवन ऑन द कलर कॉम्बिनेशन वी वर्कड ऑन एवरी सिंगल डिटेल. जैसे टाइटल सॉन्ग में हाथी है, तो हाथी भी सिंक में चलेंगे, म्यूजिक पे चलेंगे. सो आई टू गो एंड मीट ऑल माई एलिफेंट्स इन द मॉर्निंग सो दैट दे रिकग्नाइज मी. देर वॉज हॉर्सेस, हॉर्स को चलाना है, देर वॉज गार्ड्स, देर वॉज नॉर्मल जनता स्टैंडिंग, यू नो, महाराज आ रहे हैं, उनका प्रोसेशन चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, बट मैंने हज़ारों गाने देख लिए, बहुत सारा रेफरेंसिंग की. एंड आई थॉट इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर सूरज सर ने मेरे ऊपर डाली है, तो उसको 100% करना पड़ेगा. वी टू रिहर्स फॉर एवरी सॉन्ग फॉर 8 to 10 days, देन कॉल सूरज सर, देन शो इट टू हिम, देन शो इट टू कैमरामैन, देन ड्रेस डिजाइनर्स यूज टू कम, एंड देन आई हैव टू शो देम द पोजिशन एंड हाउ आई वॉन्ट द कलर कॉम्बिनेशन, हाउ द कोऑर्डिनेशन. इवन द घाघरा, वेन वी हैड गिवन दैट टॉप एंगल इफ यू सी, एंड इवन द घाघरा आई वॉज सो स्पेसिफिक दैट यू नो इट हैज़ टू बी 30 meter घाघरा. वाई? बिकॉज वो टर्न करने में जो टॉप एंगल से यू सी दैट घेरा, एवरीबडी लव्ड इट एंड दे सेड दैट दिस इज मैजिक. ही वॉज इन्वॉल्व राइट फ्रॉम बिगनिंग, राइट फ्रॉम गिविंग मी ब्रीफ, लाइक फ्रॉम म्यूजिक ऑल्सो. एक एक म्यूजिक पीस उनके साथ बनता था. हिमेश जी सामने, हिमेश जी का प्लेस है, वहाँ म्यूजिक बनता था. देन ही वुड कम टू मी एंड देन ही विल एक्सप्लेन मी द होल म्यूजिक पीस. ही वॉज रेडी विद एवरीथिंग. के और वेरी इंपॉर्टेंट इज के एवरी सॉन्ग हैज़ स्टोरी इन टू इट. आप गाना निकाल दोगे तो स्टोरी फॉरवर्ड नहीं होगी, तो स्टोरी को भी ध्यान में रखना है, कोरियोग्राफी भी. तो वही यूज़ टू टेक केयर ऑफ हिज स्टोरी एंड ही टू टेल मी टू टेक केयर ऑफ कोरियोग्राफी एंड हाउ वी विल ब्लेंड इट. सो ही वुड, ही ऑलवेज यूज टू टेल मी, शबीना रीड स्क्रिप्ट एंड हैज़ टू रीड स्क्रिप्ट एवरी 2 days के बाद, हैज़ टू ओपन स्क्रिप्ट एंड रीड इट सो दैट आई डोंट गो रॉन्ग. सो मी एंड सूरज जी, आई लिव्ड, मतलब ये 1.5 साल मैंने इस फिल्म को जिया है सूरज जी के साथ. एवरी सिंगल स्टेप, एवरी सिंगल थिंग वी वर्कड. एंड देन इवन ऑन द कलर, वैन सूरज जी फेल्ट दैट आई एम राइट, देन ही मेड श्योर दैट ही विल गिव मी एवरीथिंग. तो मेरे साथ, कैमरामैन के साथ, हर किसी के साथ सूरज सर वॉज द फाइनल अथॉरिटी एंड ही वॉज अ वन टू make everybody so comfortable so that we give 100%. Oh my god, they like lovebirds. They love each other so much. Every day when Suraj Salman sir used to come on his scooty, Suraj sir would go bhag bhag ke and he will hug him, and whenever he used to hug, I used to go and watch Suraj's eyes. Hamesha aankhein nam hoti thi. They love each other so much. Like dur se bhi ishara kar de to they know each other. Matlab prem, agar प्रेम को सूरज जी ने बनाया है, तो प्रेम को सलमान सर ने जिया है.
तो ये दोनों एक चोली दामन वाला साथ है, कोई और प्रेम बन नहीं सकता है. सूरज जी और सलमान सर की केमिस्ट्री जैसी केमिस्ट्री मैंने कभी किसी डायरेक्टर, ये यू नो ये दिल का मामला हो गया है, ये प्यार. और सूरज जी एक्चुअली प्रेम है, जो प्रेम का कैरेक्टर वो मैंने प्यार किया हम आपके कौन दे रहे हैं वो एक्चुअली सूरज सर है. ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और वो अपनी वो सारी चीज़ों को सलमान सर के अंदर उतारते हैं. एंड हैट्स ऑफ टू सलमान सर, वो किस तरह से उसको जी भी जाते हैं, यू नो दैट्स सुपर, दैट्स ब्यूटिफुल. आई लव दिस जॉब, आई लव कोरियोग्राफी, आई वॉन्ट टू बी नंबर वन कोरियोग्राफर एंड आई वॉन्ट टू डू बिग सॉन्ग्स, स्मॉल सॉन्ग्स. आई वॉन्ट टू कम अप विद, आई वॉन्ट टू, जैसे मैंने इस फिल्म में जब सूरज जी ने मुझे लिया था मैंने एक लाइन बोली थी, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट यू वॉन्ट टू शो थ्रू दिस फिल्म अबाउट यू एंड योर फ्रेटर्निटी. आई सेड आई वॉन्ट टू गेट द सोल ऑफ कोरियोग्राफी बैक इन टू द इंडस्ट्री विच इज़ मिसिंग. लाइक अभी हम गाने देखते हैं तो एवरीबडी इज़ डांसिंग, एडिटर इज़ कटिंग द सॉन्ग्स, देर इज़ नो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैपनिंग, देर इज़ ओनली एवरीबडी डांसिंग बिहाइंड द डांसर्स. आई माई आइडिया इज़ टू गेट द फॉर्मेशन ऑफ डांसर्स बैक. एक्चुअल मीनिंग ऑफ कोरियोग्राफी इज वट आई हैव ट्राइड शोइंग इन दिस फिल्म एंड आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड दिस लेगेसी, आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड दिस थिंग सो दैट हमारी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. कोरियोग्राफर्स आर द वन जिनके गाने देख कर लोग थिएटर में जाते हैं, प्रोमोज बनते हैं गानों पे, तो व्हाई कांट वी डू फैबुलस जॉब. एंड देन जो सरोज जी ने हमें इज्जत दिलाई है, आई बिलीव दैट सरोज जी ने कोरियोग्राफर्स को रिकग्निशन दिलाई है एंड आई वॉन्ट टू टेक दैट मूव फॉरवर्ड सो दैट वी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म. सो ये जो फॉर्मेशन होता है, कोरियोग्राफी होती है, कोऑर्डिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, कैमरा एंगल से, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहती हूँ. सो दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप एंड इंशाल्लाह आई विल टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.